हाय गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आसियान। आसियान क्या है, इसके सदस्य राष्ट्र, आसियान की उत्पत्ति, आसियान समुदाय में 3 स्तंभ जो शामिल है और आसियान के उद्देश्य क्या क्या। तो चलिए इस पर डिटेल में बात करते हैं आसियान के बारे में और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीएस, करंट अफेयर्स और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यूपीएससी की जो एक बुक है बिपिन चंद्र, आधुनिक भारत का इतिहास। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं करें, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आधुनिक भारत का इतिहास आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आधुनिक भारत के इतिहास में विपिन चंद्रा की उस पुस्तक को हम अपने चैनल पे पढ़ा रहे हैं, रोज उसकी क्लास ले रहे हैं, एक एक अध्याय हम उसको समाप्त करवा रहे हैं, डिटेल में पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आ जाए। बुक नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं, हम प्री पीडीएफ आपको बुक का अवेलेबल करवा रहे हैं। जिस लेसन को हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो हमारे चैनल से जुड़िए और रोज पढ़िए, एक एक अध्याय के जितने पार्ट एक क्लास में कवर हो पाएंगे उतने कवर किए जा रहे हैं। रोज डेली क्लास ली जा रही है और आज से उसका बैच स्टार्ट हुआ है, तो रेगुलर इसकी क्लास चलेगी और लक्ष्मीकांत भी पढ़ाने की हम लोग सोच रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं आसियान। आसियान क्या है, आसियान का पूरा नाम क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये आसियान का पूरा नाम है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, एक क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया प्रांत के उपनिवेशी राष्ट्र के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। आसियान का आदर्श वाक्य है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। ठीक है, देखिए आसियान का आदर्श वाक्य क्या है, एग्जाम में पूछा गया है कई बार, वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। आसियान को हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 8 अगस्त आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसके सदस्य राष्ट्र कौन कौन से, इस पे बात कर लेते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया इसके सदस्य राष्ट्र हैं। चलिए आगे बात करते हैं आसियान की उत्पत्ति। 1967 आसियान घोषणा पत्र बैंकॉक घोषणा पर संस्थापक राष्ट्र द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ आसियान की स्थापना हुई। आसियान के संस्थापक राष्ट्र हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। 1990 के दशक में, वर्ष 1975 में वियतनाम युद्ध के अंत और वर्ष 1991 में शीत युद्ध के बाद क्षेत्र में बदलती परिस्थितियों के बाद सदस्यता दुगनी हो गई। ब्रुनेई 1984, वियतनाम 1995, लाओस और म्यांमार 1997 और कंबोडिया 1999 में सदस्य राष्ट्रों में शामिल हुए हैं। 1995 में दक्षिण पूर्वी एशिया को परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए सदस्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए आगे बात करते हैं, 1997 आसियान विजन 2020 को अपनाया गया। 2003 आसियान समुदाय की स्थापना के लिए बॉली कॉर्ड द्वितीय, ठीक है, इनकी मदद की। 2007 सेबो घोषणा 2015 तक आसियान समुदाय की स्थापना में तेजी लाने के लिए जाना जाता है। 2008 जो इसके महत्वपूर्ण वर्ष है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम, आसियान चार्ट लागू और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता हुआ। 2015 आसियान समुदाय का शुभारंभ हुआ। आसियान समुदाय में 3 स्तंभ जो शामिल हैं, आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आसियान आर्थिक समुदाय है, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय है, राजनीतिक सुरक्षा समुदाय है, आर्थिक समुदाय है और सांस्कृतिक समुदाय है। चलिए अब आसियान के उद्देश्य की बात कर लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने हेतु न्याय और कानून के शासन के लिए सम्मान और संयुक्त राष्ट्र चार्ट के सिद्धांतों के पालन के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सामान्य हित के मामलों पर सक्रिय सहयोग, पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना, कृषि और उद्योग के अधिक उपयोग, व्यापार विस्तार, परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार और लोगों के जीवन स्तर सुधार में अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए।
दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठ और लाभप्रद सहयोग बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने बात कर ली आसियान के मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं, आसियान के तीन स्तंभ कौन कौन से शामिल हैं और उनके महत्वपूर्ण वर्ष कौन कौन से रहे, आसियान की उत्पत्ति किस कारणों से हुई, इसके सदस्य राष्ट्र कौन है और आसियान क्या है, इसकी जो इसका सचिवालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है, इसका आदर्श वाक्य क्या है, वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, आसियान है क्या, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखिए यहाँ पे हमने डिटेल में बात कर ली आसियान क्या है, सदस्य राष्ट्र क्या है, आसियान की उत्पत्ति क्या है, आसियान समुदाय में तीन स्तंभ शामिल है और उसके उद्देश्य। आगे मैं और भी जो संगठन है, संस्थाएं हैं विश्व की, उस पर भी बात करेंगे। तो आज का लेक्चर बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।